हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजू बाला फूड एक्स। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी आटे का हलवा। अक्सर आटे का हलवा बहुत लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी आटा। आटे को अच्छे से छान लेना है। उसके बाद लिया है आधी कटोरी या उससे थोड़ा सा कम हमें लेनी है सूजी। 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। अब मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों आप और भी ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम देसी घी। अब मैंने ली है यहाँ 1 कटोरी चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हलवा बनाने से पहले हमें सारी सामग्री रख लेनी है पहले से तैयार करके। आटे का हलवा बनाने में अक्सर लम्स पड़ जाते हैं। मैं ऐसी ही ट्रिक बताऊंगी जिससे लम्स नहीं पड़ेंगे। अब कढ़ाई को रखें गैस पर। उसके बाद उसमें डाल दें घी। दोस्तों, घी का ही हलवे में पूरा टेस्ट होता है। शुद्ध देसी घी का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल दें आटा। आटा डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना है। दोस्तों, गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना, मीडियम आंच पर आटे को अच्छे से भूनना है। आटा जब तक भूनना है आटा हमारा ब्राउन ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। आटे को 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने के बाद भी इसे 10 से 15 मिनट भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। दोस्तों, कंटिन्यू इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से भूनना है। आटे के हलवे में सूजी डालने से आटे में जो लम्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। सूजी डालना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हलवा बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे से चलाना है। ड्राई फ्रूट्स पहले इसलिए डालें ताकि ड्राई फ्रूट्स जो खाने में है ना वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगे, एकदम क्रंची क्रंची। दोस्तों, आटा भून चुका है। आटे में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। याद रखना, इसमें गर्म पानी ही डालना है। पानी डालते हुए कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। पानी इसमें मैंने डाला है 1 से 1.5 गिलास। ज़्यादा पानी डालने से हलवा टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए पानी बहुत ही कम डालें। देखिए, हलवा हमारा रेडी होने ही वाला है। अब लास्ट में इसमें डालनी है चीनी। चीनी डालने के बाद भी इसे अच्छे से चलाना है। इसे जब तक चलाना है चीनी बिल्कुल घुल ना जाए। दोस्तों, ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिए और बताना कैसा बना है कमेंट बॉक्स में। ये देखिए दोस्तों, हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा लास्ट में 1 चम्मच घी डालेंगे। जो ये घी डालेंगे इससे हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। घी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएं। ये देखिए दोस्तों, हलवा हमारा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कढ़ाई में और घी छोड़ दिया है। अब इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लें। जब इसे सर्व करें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दें।
और जो कोकोनट पाउडर है उसे भी इस पर डाल दें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हलवा हमारा देखने में। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है ये हलवा। दोस्तों, आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी हलवा बनाने वाली, आप बताना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।